नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है। वो वनडे और टी20 सीरीज खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आ गए थे। टी20 और वनडे दोनों सीरीज में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक ने आखिरी वनडे मैच और टी20 सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई। काफ़ी लंबे समय से परिवार से दूर रह रहे हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक और बेटे अगस्त के साथ खूब समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने अपने बेटे के 5 महीने पूरे होने पर सेलिब्रेशन किया। बुधवार 30 जनवरी को पांड्या और उनकी पत्नी नताशा ने बेटे अगस्त का 5वां महीना पूरा किया। इस मौके पर दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। पांड्या ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सेलिब्रेशन की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीर में अगस्त को पांड्या की गोद में बैठे हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में पांड्या के साथ उनकी पत्नी नताशा भी खड़ी हुई साथ में नजर आ रही हैं। बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ पांड्या का ऑस्ट्रेलिया दौरा काफ़ी बेहतर गुजरा था। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपनी शानदार क्रिकेट से उन्होंने क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट को अच्छा खासा प्रभावित किया था। 3 में से 2 वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 90 रन और नाबाद 92 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। बताते 31 मई 2020 को एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी थी कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। इससे पहले इसी साल के शुरुआत में हार्दिक और नताशा ने सगाई का ऐलान किया था। हार्दिक ने दुबई में नताशा को प्रपोज किया था और सगाई की अंगूठी पहनाई थी। हार्दिक ने अपनी सगाई की जानकारी भी फैंस को 1 जनवरी 2020 को सोशल मीडिया के जरिए ही दी थी। इसके बाद कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन के दौरान दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। 30 जुलाई को हार्दिक और नताशा माता पिता बने। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।